कैन पुट अ फाउंटेन ओवर देयर. छोटे छोटे फाउंटेन आजकल ऑनलाइन में मिल जाते हैं, यू कैन बाय फ्रॉम द शॉप ऑल्सो. वो ला के आप इसको रख दो, उसको चलाओ. नॉर्थ ईस्ट में जब पानी चलेगा, एक तो क्या पानी जो रोटेशन करता है तो इट इज टू रोटेट द मनी ऑल्सो, पैसे का रोटेशन शुरू करता है वो. दूसरा क्या है कि आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आता है नॉर्थ ईस्ट में अगर पानी होता है. तो नॉर्थ ईस्ट में पानी क्रिएट करने के लिए यू कैन पुट द फाउंटेन एंड साइमल्टेनियसली यू कैन, अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो वी कैन पुट अ पिक्चर ऑल्सो. दे कैन पुट अ पिक्चर ऑफ वाटर, जैसे फाउंटेन की पिक्चर या जो बहता हुआ झरना होता है उसकी पिक्चर भी लगा, अगर वो पॉसिबल नहीं है. यहाँ के लिए खराब कलर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा बैड कलर कौन सा होता है यहाँ के लिए? रेड, ऑरेंज, पिंक. यह सबसे ज्यादा खराब क्या माना जाता है? टॉयलेट. ईशान कोण का टॉयलेट एक ऐसी चीज मानी जाती है आमतौर पे, वास्तु शास्त्र में सब चीजों की रेमेडी होती है. अगर देखिए सारे घर सारी बिल्डिंग वास्तु पे नहीं बन सकती किसी के लिए, है ना? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, कोई नहीं बना सकता. लेकिन क्या है कि फिर भी वी कैन डू द रेमेडी ऑफ सो मैनी थिंग्स. अगर कहीं पर कुछ गलत हो तो आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. 100% ठीक नहीं होता लेकिन मिनिमाइज पे इफेक्ट हो सकता है. बट क्या है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो इनक्योरेबल मानी जाती हैं यहाँ पे, वो है टॉयलेट. हैविंग अ टॉयलेट इन निशान को एक्चुअली बैड, टॉयलेट यहाँ पे कभी नहीं होती है. यहाँ पे अगर टॉयलेट होता है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आता है. एक तो बीमारी, वन ऑफ द मेजर इशू इज ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के मेजर इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज पूरी बनी रहती है. दूसरा क्या होता है, दिमागी अशांति बहुत रहती है, मेंटल पीस नहीं होती, घर में शांति नहीं होती, घर की सुख शांति जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब होती है. कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना, जब अपने घर से बाहर रहते हैं तब तो खुश रहते हैं, अच्छा रहता है आपस में भी, और जब हम द मोमेंट वी एंटर इनटू द हाउस, आने के बाद से सब डिस्टर्ब हो जाता है, एक दूसरे से पता नहीं क्या हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता या झगड़ा शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे इफ यू आर हैविंग दिस थिंग ओवर देयर, टॉयलेट ओवर देयर, तो इट इज अ बिगर इशू. ये आपकी सक्सेस को भी रोकता है. क्योंकि क्या है, टॉयलेट का मतलब पता है क्या होता है? टॉयलेट का मतलब होता है डिस्पोजल, WC का मतलब है डिस्पोजल. आप वहाँ पे क्या करते हो, डिस्पोज करते हो. तो यहाँ के जो एट्रीब्यूट है, यहाँ के एट्रीब्यूट है सुख शांति, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, सक्सेस, वो आप डिस्पोज कर रहे हो. जब आपने यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा ली, वो डिस्पोज हुई तो पता लगा कि वो आपका सब सुख चैन शांति सब चली गई. एंड इफ यू आर हैविंग अ किचन ओवर हियर, किचन अगर आप यहाँ पे करते हो तो ऐसे घरों में तो कलेश बहुत होता है. अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कलेश बहुत रहता है. दूसरा, बरकत नहीं होती काम में, कमाई में बरकत नहीं होती. कितना भी आदमी इनकम जनरेट कर ले लेकिन उसको ये लगता है कि मेरी इनकम पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरे को पर कर दो. फिर सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक अगर इधर होता है तो सेप्टिक टैंक इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ इलनेस, बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है सेप्टिक टैंक अगर होता है. यहाँ पे अगर ओवरहेड वाटर टैंक होता है इट इज ऑल्सो एक्चुअली रॉन्ग. ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे बहुत खराब होता है. एंड स्टेयर्स आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग ओवर हियर. देखिए आप अपने अपने घरों में चेक करिएगा, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई कबाड़ खड़ा हुआ है, कोई अलमारी खड़ी हुई है, कोई भारी ट्रंक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आप जाके आज उसे हटाओ और उसे हटाने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर आप देखना आपको क्या लगता है, ठीक है? अगर ये ऐसा रहेगा तो वो डिस्टर्बेंस हो नहीं होना है. कुछ भी भारी रहेगा, हैवी रहेगा, ऊंचा रहेगा तो ना तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना सक्सेसफुल हो पाओगे. डिस्टर्बेंसेस रहने ही रहने, लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है? तो